हेलो गाइस, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस, आपकी जो सीरीज है आप लोगों को बहुत पसंद आई, दैट्स रियली ग्रेट। तो उसके और सारे पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपको फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स में प्रॉब्लम ना आए। अभी जो आपके एग्जाम्स CGL और CHSL के चल रहे हैं और जो हो चुके हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको जरूर जरूर लर्न कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट फ्रेजल्स और या फिक्स प्रेपोजिशन हम कह सकते हैं गाइस। That is ashamed. Ashamed का मतलब होता है लज्जित होना। ओके, ashamed के साथ आपका preposition यूज किया जाता है of. Ashamed of का मतलब होता है किसी बात पर लज्जित होना, ठीक है। Ashamed के साथ आपका जो preposition यूज किया जाता है guys, that is ashamed for. Ashamed के साथ आपका जो preposition यूज किया जाता है, that is ashamed for. He is ashamed of his conduct. He is ashamed of his conduct. वो उसके conduct पे ashamed है, लज्जित है उसके behavior पे, ठीक है। तो ashamed के साथ आपका जो preposition use किया जाता है guys, that is of, ashamed of something, ठीक है। Next guys, aspire for. Aspire for का मतलब होता है किसी चीज की आकांक्षा होना, चाहत होना, ठीक है। तो आकांक्षा रखना, aspire के साथ आप हमेशा preposition use करते हैं for. Okay, ध्यान रखिएगा guys, aspire के साथ with, to और कुछ use नहीं होता। Aspire के साथ आपका fixed preposition है for, that is everybody aspires for a fame in life. Everybody aspires for a fame in life. तो aspires के साथ आपका जो preposition use किया जाता है guys, that is for. Ashamed के साथ आप of का use करते हैं जब कोई इसी बात पर लज्जित होने की बात चल रही है। Aspire के साथ आप for का use करते हैं, that means आकांक्षा रखना। Next is guys, assent. Assent का मतलब होता है स्वीकृति, ठीक है। Assent किसी बात को स्वीकार कर लेना, जब ये बात कहना चाहते हैं तो assent जो verb है उसके साथ आप preposition use करते हैं to. My friend did not assent to my proposal. My friend did not assent to my proposal. किसी बात को स्वीकृति देने के लिए assent और assent के साथ preposition हम हमेशा to का use करते हैं, जो आपका verb होगा। ओके जी, He did not assent to my proposal. He assent to my request. तो किसी भी बात की स्वीकृति हो जाना, that is assent. Okay. Make an attack on guys. Make an attack on. ध्यान रखना. Make के साथ an attack और आपका preposition लगता है on, मतलब किसी पर आक्रमण कर देना। जब कोई किसी पे आक्रमण कर देता है उसके लिए हम use करते attack. Okay. तो make an attack on someone. Okay. He made an attack on his enemy. He made an China made an attack on पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आप किसी चीज का अटैक की बात कर रहे हो तो मेक एन अटैक ऑन, अटैक के साथ आपका प्रेपोजिशन लगेगा ऑन, ठीक है जी। नेक्स्ट, अटैच टू, ठीक है। अटैच का मतलब जुड़ा होना, चाहे आप कोई चीज किसी से जुड़ी हो या हमारा किसी के साथ अटैचमेंट हो, ठीक है। तो अटैच होता है जुड़ना और इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है टू। ही अटैच्ड नो इम्पोर्टेंस टू मनी, ठीक है। तो अटैच के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे टू, ठीक है जी। अटैच के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे टू, ही अटैच्ड नो इम्पोर्टेंस टू मनी, ठीक है जी। तो अटैच के साथ प्रेपोजिशन टू, दैट मीन जुड़ना, उसका कोई भी जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है मनी से। नेक्स्ट, अश्योर के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करते हो ऑफ। अश्योर का मतलब होता है निश्चित करना, किसी को श्योरिटी देना। ओके, अश्योर का मतलब होता है श्योरिटी होना। तो अश्योर के साथ आप जो प्रेपोजिशन यूज करते हो गाइस, वो होता है फॉर। अश्योर फॉर समथिंग, ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज हेल्प। अश्योर के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करोगे ऑफ, ही अश्योर्ड ऑफ समथिंग, ना कि फॉर, सॉरी, ठीक है। ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज हेल्प, ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज प्रेजेंस, ही अश्योर्ड मी ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो अश्योर के साथ आपका प्रेपोजिशन आएगा गाइस ऑफ। अटैच के साथ टू, अश्योर के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑफ। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जानकार होना। अवेयर के साथ आपका प्रेपोजिशन अगेन लगता है ऑफ, ठीक है। अवेयर ऑफ समथिंग, मैं इस बारे में जानकार हूं, ठीक है। कि आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस, ऑफ हिज फैक्ट्स, उसके फैक्ट्स के बारे में मैं सब जानती हूं। तो अवेयर के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है गाइस फॉर, अवेयर ऑफ, सॉरी, अवेयर ऑफ समथिंग, मैं फॉर बोल रही हूँ, अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट, अवर्जन गाइस, बहुत बार रिपीट किया जाता है ये वाला
फ्रेजल गाइस, अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है घृणा, किसी से नफरत। अवर्जन के साथ प्रेपोजिशन लगता है गाइस टू, अवर्जन टू समवन और समथिंग, ठीक है। आई हैव अवर्जन टू ड्रिंक, आई हैव अवर्जन टू ड्रिंक, दैट मीन्स आई हेट ड्रिंकिंग, ओके गाइस। तो किसी चीज से जब आप घृणा करते हो तो उसके लिए एक वर्ड होता है अवर्जन, और अवर्जन के लिए गाइस आप हमेशा प्रेपोजिशन यूज करते हो टू। नेक्स्ट गाइस बेस्ड, बेस्ड के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करते ऑन, ठीक है। बोलते ना दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन महात्मा गांधी, ठीक है। तो किसी पर स्थापित होना, योर कंप्लेंट इज बेस्ड, योर कंप्लेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, योर कंप्लेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो बेस्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑन होता है, बहुत सिंपल, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बिलोंग के साथ होता है टू, बिलोंग टू समवन, ये किसी का, किसी और को बिलोंग करता है, इसका इस पे किसी और का अधिकार है, राइट गाइस। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरी है, ये मेरे को बिलोंग करती है, मेरा इस पे अधिकार है, ठीक है। तो बिलोंग के साथ आप टू यूज करते हैं, बेस्ड के साथ आप ऑन का यूज करते हैं। गाइस एक बार रिविजन, ठीक है। Ashamed के साथ preposition use होता है of, that means लज्जित होना। Aspire के साथ preposition होता है for, जिसका मतलब होता है आकांक्षा होना। Ascend के साथ preposition लगता है to, जिसका मतलब होता है स्वीकृति देना। Make an attack on का मतलब होता है किसी पर attack कर देना, ओके। अटैच टू किसी के साथ जुड़े होना। अश्योर के साथ आप preposition लिखते हैं of, ताकि श्योरिटी देना, ठीक है। अवेयर के साथ आप प्रेपोजिशन लगते हैं ऑफ, दैट मीन जानकार होना। अवर्जन के साथ आपका प्रेपोजिशन लगता है टू, जिसका मतलब होता है घृणा होना, ओके। बेस्ड के साथ ऑन लगता है, दैट मीन्स किसी पे कोई बात बेस्ड है। और बिलोंग के साथ प्रेपोजिशन लगता है टू। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रेपोजिशन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको रिविजन करते रहे और सेंटेंसेस में यूज करने की कोशिश करेंगे, तो गाइस बेस्ट है, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। ओके गाइस, सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अगर कमेंट सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताए गाइस। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, टेक केयर गाइस।